हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइको गेमर, विच इज़ ऑल अबाउट गेमिंग। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अपना दूसरा वीडियो डालने में बहुत टाइम लग गया, पर अब मैं आपके लिए गेम्स की पूरी एक सीरीज लेके आया हूँ जो कि बेस्ड है पोकेमॉन गेम्स पे। पोकेमॉन की वीडियो गेम्स 19th सेंचुरी से आ रहे हैं और इस सीरीज के आने वाले वीडियोज में हम उन्हीं गेम्स के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं पोकेमॉन के पहले गेम के बारे में जो कि है पोकेमॉन रेड वर्जन। जी हाँ, ये गेम पोकेमॉन का सबसे पहला गेम था जो कि रिलीज हुआ था 27 फरवरी 1996 में। ये पूरा गेम बेस्ड है कैंटो रीजन पे। ये गेम पैलेट टाउन से स्टार्ट होता है और इस गेम का जो प्लेयर है उसके सिर्फ दो रिलेटिव हैं। ये गेम जनरेशन 1 का है और इसका टेक्सचर ब्लैक एंड वाइट है। इस गेम को अपने लैपटॉप या पीसी में खेलने के लिए आपको सिर्फ एक फाइल और एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। ये तो था इस गेम का एक छोटा सा इंट्रो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस गेम को कैसे डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके कैसे खेलना है। इस गेम को खेलने के लिए आपको हिगन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिगन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए रेड डाउनलोड बटन पर क्लिक कीजिए। मैंने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर दिया है और डाउनलोड थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब आपको फाइल के डाउनलोड होने तक उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और अब आप डाउनलोड्स में जाइए और अपने फाइल को कट करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लीजिए। इससे आपको आसानी होगी उसको एक्सट्रैक्ट करने में। और अब हम अपनी दूसरी लिंक ओपन करते हैं जो कि है गेम की लिंक। इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड गेम्स पे क्लिक कीजिए। अब 5 सेकेंड में आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और डाउनलोड कंप्लीट भी हो चुका है। अब आपको अपने डाउनलोड्स में जाना है और इस फाइल को भी डेस्कटॉप पे कट करके पेस्ट कर लेना है। कट और डेस्कटॉप पे आप जाके इसे पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको इन दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और एक्सट्रैक्ट हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एक एक करके आपको दोनों फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरी फाइल भी एक्सट्रैक्ट हो गई है। और अब आप इस हिगन वाले फोल्डर को ओपन कर लीजिए और जो ब्लू कलर में एप्लीकेशन है उसको ओपन कीजिए। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें सबसे पहले आपको गेम बॉय पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको .gb वाली फाइल पर क्लिक करके इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर भी आपको .gb वाले फाइल पर क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको क्लोज पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद इस एप्लीकेशन को भी आपको क्लोज कर देना है। और अब आपको इस रेड आइकन वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और उसके बाद नीचे सेटिंग सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ आप अपने वीडियो ऑडियो इनपुट और हॉटकीज की सेटिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। और उसके बाद वहाँ पर सिस्टम सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू सिस्टम पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको गेम बॉय पर क्लिक करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आपको गेम बॉय पे डबल क्लिक करना है। फिर आपको कंट्रोल्स पे जाना है और अपने हिसाब से आपको कंट्रोल सेट कर लेना है इसका। उसके बाद एकदम लास्ट जो आपको दिखाई दे रहा होगा कार्टेज स्लॉट, इस पर क्लिक करके आपको .gb वाली फाइल पर क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। और अब आपको ऊपर में गेम बॉय पे क्लिक करके पावर पे क्लिक कर देना है। और अगर आप चाहें तो सिस्टम पे जाके सो सिस्टम पैनल भी ऑफ कर सकते हैं। और अब आपका गेम स्टार्ट हो चुका है। खेलिए और इन्जॉय कीजिए।